अलवर के अम्बेडकर नगर में बालिका छात्रावास का निर्माण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव थे। इस दौरान यादव समाज अलवर का प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रेखा राजू यादव और तिजारा विधायक मामा सिंह भी मौजूद रहे। आयोजकों द्वारा अतिथियों को साफा बांधकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि यादव समाज के लिए छात्राओं के लिए छात्रावास मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री का उन्होंने आभार जताया। शिक्षा के युग के अंदर हमारा समाज बहुत आगे है और हमारी समाज की छात्राओं को मुख्य रूप से पढ़ने के अंदर ठहरने की व्यवस्था में दिक्कत आती है। हमारा समाज बहुत लंबे समय से कांग्रेस के समय में मांग की, गहलोत जी से मैं भी मिला कई बार, समाज के लोग भी मिले, हमने अभी भी मांग की, उससे पहले मांग की। और पूरा समाज, यादव समाज कोटि कोटि धन्यवाद देता है वसुंधरा जी को कि उन्होंने हमारी समाज के लिए बहुत ही अच्छी जगह मौके पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को और आगे बढ़ाने के लिए, तो यादव समाज की छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण की जगह दी है। पूरा यादव समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करता है, उनको धन्यवाद देता है, उनका स्वागत करता है। और ये जो समाज के लिए हॉस्टल का निर्माण के लिए जगह मिली है, आज इस तरह से आप देख रहे हैं, समाज पूर्णतया समर्पित है किस तरह हॉस्टल का, छात्रावास का निर्माण होना चाहिए, इससे कि बच्चियों को पढ़ने का मौका मिले। इससे यादव समाज ही नहीं आगे बढ़ेगा और समाज के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि सबसे ज़्यादा जरूरी बच्चों के लिए कुछ काम करें। और ये हॉस्टल खाली यादव समाज के लिए नहीं रहेगा, यादव समाज ने संकल्प लिया है किसी भी समाज की कोई बच्ची अगर यहाँ आके रुकेगी तो उन सबका स्वागत होगा और ये सभी समाज की बच्चियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम लोग इसका निर्माण करा रहे हैं पूरा समाज मिलके। मैं यहाँ के यादव समाज के अध्यक्ष भाई राजेश जी, उनके पूरे साथियों को, हमारे साथी विधायक और सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। सब एकजुट होकर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, उस सपने को साकार करने के लिए आज यादव समाज एकजुट है। और सबसे बढ़िया यादव समाज संकल्प लिया है हर वर्ग हर जाति।